दुनिया भी गजब करामाती लोगों से भरी हुई है। अमूमन एक ऑटो में देखा जाए तो 3 से 4 लोगों की ही जगह होती है, लेकिन तगड़ी कमाई के चक्कर में ऑटो चालक सवारियां सटाकर बिठा देते हैं और 3 या 4 की जगह 6 या 7 सवारियां ठूंस ठूंस कर भर देते हैं। कभी कभी इन सवारियों की संख्या 8 तक देखी जा सकती है, वो भी तब जब ऑटो CNG नहीं डीजल वाला हो, बड़े साइज का। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो एक ऑटो वाले ने ऐसा कारनामा कर दिया कि पब्लिक बोल रही है कि ये सिर्फ भारत में ही देखने को मिल सकता है। दरअसल फतेहपुर जिले में जब सड़क से गुजर रहे एक CNG ऑटो को पुलिस ने रोका तो उसमें सवार लोगों की संख्या देखकर पुलिसकर्मी भी दंग रह गए, क्योंकि ऑटो रिक्शा में चालक सहित कुल 27 लोग सवार थे। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो ये वीडियो देखिए। जानकारी के अनुसार यूपी के फतेहपुर जिले के बिंदकी कोतवाली क्षेत्र में कुछ लोग एक ऑटो रिक्शा में सवार होकर निकले थे। बिंदकी क्षेत्र के ललौली चौराहे पर पुलिस ने देखा कि एक ऑटो चालक तेज रफ्तार से ऑटो चला रहा है। पुलिस ने ऑटो को रोक लिया और फिर एक एक कर बच्चों और बड़ों को नीचे उतारा। पुलिस ने गिनती की तो ऑटो चालक सहित कुल 27 लोग बाहर निकले, जिस पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए ऑटो रिक्शा पर 11,500 रुपए का फाइन लगाया है।